हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 162 में बोला गया है, हाउ मैनी स्पेरिकल लीड शॉट ईच 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर। हमारी स्पेरिकल लीड शॉट है, ठीक है, जिसका डायमीटर दे रखा 4.2 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर दे रखा हो, डिवाइड कर दो उसमें 2 का, ताकि हमारी रेडियस निकल के आ जाए, ठीक। और डेसिमल हटा लेंगे, लिए डेसिमल के बाद एक नंबर नीचे आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस। फिर आगे बोला गया है, डायमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉलिड क्यूबॉइड, यानी कि इन कोई क्यूबॉइड से बनाया जाता है या निकाला जाता है, विद द डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन है 66, 42 एंड 21, ठीक है। तो बताओ, इतने बड़े सॉलिड से ऐसी कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं, ये हमारा सवाल है। देखो, जितना इसमें मटेरियल यूज़ हुआ होगा, उतना ही मटेरियल सेम इसमें यूज़ हुआ होगा। जब हम दो चीज़ों का सेम मटेरियल होता है, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वजन सेम होगा। आप ये मान के चलो कि जैसे पनीर का एक बड़ा टुकड़ा है, हमने उसके छोटे पीस किए और उसी के बराबर एक और दूसरा पीस लिया, उन छोटे टुकड़ों को एक तराजू में रखा और बड़े टुकड़े को एक तराजू में रखा, तब भी दोनों का वजन सेम होगा। साइज छोटा या बड़ा कर देने से फ़र्क नहीं पड़ता, वेट या वॉल्यूम तो उतना ही होगा, उनका मास तो उतना ही होगा। तो सेम टू सेम यही चीज़ इसमें अप्लाई होती है कि ये जो क्यूबॉइड है, इसी से हमारा ये लीड शॉट बने हुए हैं। तो बट इनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा, इसके साइज़ छोटा है, ठीक है। अब कितनी होगी मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ लीड शॉट, इनकी संख्या मान ली मैंने एक्स होगी, और ये हमारा कौन है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स, जिसकी लेंथ 66, ब्रेथ 42 एंड हाइट 21 सेंटीमीटर दे रखी। तो मैं दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट इनटू में नंबर ऑफ लीड शॉट, ठीक। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लीड शॉट का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट कितनी लीड शॉट होंगी मालूम नहीं है, तो मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि ये जितनी गोलियां होंगी, जितनी भी, उन सबको जोड़ने पर इसके बराबर आएगा ये मटेरियल, ठीक है। तो L है हमारी 66, 42 एंड 21, ये 4/3, पाई की वैल्यू गिवन है तो वही लिखो, नहीं गिवन है तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 21/10, क्योंकि मैंने यहाँ का डेसिमल हटा लिया था, क्यूब लगा इसलिए 3 बार लिखेंगे, इंटो में एक्स, जो कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर, देखो 7 3 से 21 होता है, तो ये 21 सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ठीक। बाकी 10 को कैंसिल मत करो, 10 को वहाँ पे देख लेंगे, अगर हो रहा होगा तो कर लेंगे कैंसिल। 66 इंटू 42 इंटू 21 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर, ये भी नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। 21 इंटू 21, देखो 4 22 21 21 21 से 21 मेरा कैंसिल हो गया, 22 1 22 22 3 66 हो गया, ठीक। 21 2 42 हो गया मेरा। अब ऊपर बचा है 3 × 2 × 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। और नीचे मेरा कितना बचा हुआ, अभी भी 4 बचा हुआ है, ठीक। एक्स यहाँ पे आया, 2 1 2 2 2 4, इसमें डिवाइड दिया कितना आया मेरा, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1500। यानी कुल मिला के इसकी जैसी स्पेरिकल 1500 लीड शॉट बनाई जा सकती है इस क्यूबॉइडिकल बॉक्स से, ठीक। और यही हमें फाइंड करना था, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 162 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 163। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 163 में बोला गया है, अ कॉनिकल टेंट इज टू बी अकोमोडेट 11 पर्सन, कोई टेंट है कॉनिकल जिसके अंदर 11 लोग रुके हुए हैं, ईच पर्सन मस्ट बी हैव 4 मीटर स्क्वेयर ऑफ द स्पेस ऑन अ ग्राउंड, यानी जो इसका बेस है, इस बेस पर हर एक पर्सन करीबन करीबन एवरेजली 4 मीटर स्क्वेयर एरिया को कवर करता है, एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर ब्रीथ, और उस पूरे टेंट के अंदर 20 मीटर क्यूब एयर है सांस लेने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो बताओ इसकी हाइट क्या होगी, यह हाइट हमसे पूछी है। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है, अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हमारा जो टेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा, कॉनिकल, ठीक है। पहले मैं इसके बेस को ड्रॉ करता हूँ। देखो, इसका बेस जो होगा वो एक सर्कुलर होगा। अगर मैं इसको यहाँ रख के इसका एक बेस ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कैसा होगा, एक सर्कुलर बेस होगा इसका।
कुछ इस तरह से इसका सर्कुलर बेस होगा। अब यहाँ पर 11 लोग खड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 11 लोगों ने पूरा स्पेस घेरा हुआ है। एक पर्सन एवरेजली 4 मीटर स्क्वेयर एरिया कवर करता है, एक पर्सन। अब टोटल 11 लोग हैं तो 11 लोग कितना एरिया कवर करेंगे, 11 × 4 = 44 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख लेता हूँ, हमारा कॉनिकल टेंट है जिसकी फ़िलहाल मैंने हाइट मानी हुई है h एंड रेडियस मानी हुई है r, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ मैं स्पेस ऑन द ग्राउंड रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, एक पर्सन के थ्रू कितना एरिया कवर किया जाता है, 11 मीटर स्क्वेयर, यानी कि एक बंदा जो भी खड़ा है वो इतना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इस पूरे बेस का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। अब टोटल 11 लोग हैं, एक 4 मीटर घेरता है तो 11 लोग कितना घेरेंगे, 11 × 4 = 44 मीटर स्क्वेयर। और इस तरीके से इस पूरे बेस को ये कवर कर लेंगे 11 लोग मिलके, तो बेस का एरिया निकल गया आगे मेरा। अब ये जो होता है एक सर्कल है, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो मैं बेस के एरिया की जगह लिख दूंगा पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 44, पाई की जगह 22/7, आर तो मालूम ही नहीं है, 44 × 22/7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 22 × 44, ठीक है, तो 7 × 14 आ गया, स्क्वेयर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा। तो ये मेरा आ गई आर की वैल्यू अंडर रूट 14, या तो आर स्क्वेयर ले लो 14 मीटर, या आर की वैल्यू ले लो 14 मीटर, हमें पूछा था। और बाकी इसमें सांस लेने के लिए हवा जो है वो कितनी है, 20 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हवा भी जो है वो एक पर्सन के लिए है कि एक पर्सन इतनी हवा लेगा उस कमरे के अंदर। तो टोटल 11 लोग, 11 लोगों के लिए हवा कितनी होगी, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन है। यहाँ पे हमें एरिया भी एक पर्सन का दे रखा था और सांस लेने का जो दे रखा वॉल्यूम वो भी एक पर्सन का दे रखा था, ईच पर्सन टू ब्रीथ, कितना दे रखा है, 20 मीटर क्यूब। अब 11 लोग के लिए कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन कोन, तो उसमें कितनी एयर होगी, 20 × 11, 220 मीटर क्यूब इतनी एयर होगी। तो अब मैं इस कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वॉल्यूम निकल के आ चुका है, वॉल्यूम होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 220, ठीक, 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो हम डायरेक्टली आर स्क्वेयर की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी 14, एच तो हमें फाइंड करना है कितनी है, इज इक्वल टू 220 है, जो कट रही है काट लो, 7 × 14, एच को यहीं रहने दो, 220, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले टर्म नीचे आ जाएगी, डिवाइड दिया कितना है 10, 2 का डिवाइड दिया 5, 5 × 3 = 15 मीटर, यानी कि इस कोन की जो हाइट होगी वो होगी 15 मीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ कोन, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 163 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।